फिजिक्स एंड जी पे नया चैप्टर पढ़ा जाएगा, बायोकेमिस्ट्री का है। सबसे पहले हेडिंग है कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो जनरली हम देखते हैं कि अगर कोई भी किसी भी तरह का डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। अगर कोई भी किसी भी तरह का जो डीएनए से डीएनए बनता है, मतलब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए से डबल स्टैंडर्ड बनता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज रेप्लिकेशन। अगर डबल स्टैंडर्ड डीएनए से अगर कोई भी आरएनए बनता है, एमआरएनए, तो वो प्रोसेस कहलाता है ट्रांसक्रिप्शंस, करेक्ट। जबकि अगर आरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाता है तो उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं ट्रांसलेशंस। ये जो थ्योरी है सेंट्रल डोगमा ऑफ मोलिकुलर लाइफ की बात की जाती है, और इसका डिस्कवर किया था टेनिन एंड बाल्टिमर्स ने एक राव सरगमा वायरस के अंदर। सबसे पहले अपन बोलते हैं कि अगर कोई भी किसी भी तरह का जो रेप्लिकेशन प्रोसेस होता क्या है। तो रेप्लिकेशन एक वो प्रोसेस है कि जिसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए से डबल स्टैंडर्ड डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब एक वो प्रोसेस जिसके अंदर डीएनए की कॉपी है वो इटसेल्फ प्रोड्यूस हो रही है एक आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए के अंदर, करेक्ट। सबसे पहले अपन बोलते हैं कि रेप्लिकेशन प्रोकैरियोटिक के केस की बात करते हैं। तो रेप्लिकेशन है ये एक सेमी कंजर्वेटिव है। सबसे पहले सेमी कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि एक स्ट्रैंड है वो ओल्ड स्ट्रैंड डीएनए की है और एक स्ट्रैंड है डीएनए की वो नए स्ट्रैंड डीएनए की है। तो मतलब इसमें जो हाफ जो ओरिजिनल डीएनए है वो कंजर्व करता है एक डॉटर डीएनए के साथ। और ये जो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में एविडेंस किया था एक मेजरसन एंड सत्यार ने 1958 के अंदर बताया था। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपन देखते हैं इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन। सबसे पहले कोई भी किसी भी तरह का रेप्लिकेशन जहाँ से स्टार्ट होता है तो वहाँ पे एक साइट होती है जिसको एक ओराई बोला जाता है। प्रोकैरियोटिक केस के अंदर सिंगल ओराई होती है, एक साइट होती है ओरिजिन की, जबकि मल्टीपल होती है एक यूकैरियोटिक केस के अंदर। रेप्लिकेशन बबल्स क्या होता है कि अगर कोई भी किसी भी तरह का जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ डीएनए होता है, जब वो ये आपस में सेपरेट होता है तो वहाँ पे एक बबल्स बना लेता है बीच में, उसको रेप्लिकेशन बबल्स बोलते हैं। और दूसरी बात कि अगर कोई भी किसी भी तरह का बहुत सारे तरह के जो मल्टीपल्स बबल्स होते हैं ये यूकैरियोटिक डीएनए है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स के अंदर पाए जाते हैं और ये रैपिड रेप्लिकेशन बार बार रेप्लिकेशन प्रोसेस करता है। ध्यान से देखिएगा, जैसे ये है एक सेमी कंजर्वेटिव था, मतलब यहाँ पे जो ये एक पेरेंटल डीएनए है, मान लो ये मदर डीएनए है, ये फादर डीएनए, करेक्ट। अगर ये अब जब डॉटर डीएनए होगा तो डॉटर डीएनए के अंदर एक स्ट्रैंड है ये ब्लू वाली, ये इसके अंदर गई, और एक ग्रीन वाली स्ट्रैंड है वो इसके अंदर गई, करेक्ट। अब जब एक स्ट्रैंड दोनों के अंदर गई और ये एक नई स्ट्रैंड प्रोड्यूस हुई तो ये एक तरह का डॉटर स्ट्रैंड है, तो मतलब ये डॉटर डीएनए बना। मतलब कहने का मतलब ये है कि आधा है स्ट्रैंड है वो पुराने का है, आधा नए के अंदर मतलब बना। डिफरेंट तरह के स्ट्रैंड होते हैं उनको एक तरह का सेमी कंजर्वेटिव बोलते हैं, और ये मेजरसन सत्या ने 1958 के अंदर सबसे पहले बताया था। दूसरा पॉइंट आ जाता है कि अगर रिप्रेजेंटेशंस की बात करें, रेप्लिकेशन जो एक बबल्स है, अपन ने कहा कि जो कोई भी किसी भी तरह का डीएनए है ये इस तरह के बबल्स बना लेता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है दो अलग अलग, और उनके आपस जो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है अब ये आपस में सेपरेट हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो अलग किसकी मदद से हो रहा है, इन बबल्स की मदद से हो रहा है, करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट है आरएनए प्राइमर है। ये आरएनए प्राइमर क्या करता है कि सिंथेसिस करता है एक नया डीएनए एक शॉर्ट फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए से, और ये एंजाइम प्राइमर्स है, ये एक सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको एक प्राइमोस बोला जाता है। दूसरी बात ये है कि अगर जो अपन बोले कि डीएनए सिंथेसिस है सेमी डिसकंटिन्यू और बाई डायरेक्शन होते हैं कैसे, ध्यान से देखिएगा। अपन ने कहा कि अगर कोई भी किसी भी तरह का जो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए है ये 5' से 3' डायरेक्शन में होता है, जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है वो 5 से 3' डायरेक्शन में हो रहा है। मतलब ये हुआ कि जो साइमल्टेनियसली दोनों स्ट्रैंड डीएनए के वो मूव करेंगे, जिनमें से जो एक स्ट्रैंड है वो तो होता है लीडिंग स्ट्रैंड, उसको कंटिन्यू बोलते हैं और फॉरवर्ड बोलते हैं, और ये लगातार क्या करता है कि एक अनदर स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करता है, एक लगातार डीएनए का कंटिन्यू सिंथेसिस करता है। दूसरा स्ट्रैंड होता है ग्लेजिंग स्ट्रैंड, जिसको डिसकंटिन्यूस और रिट्रोग्रेड बोलते हैं, वो क्या करता है कि डिसकंटिन्यूसली डीएनए का सिंथेसिस करता है, करेक्ट। उसके बाद में रेप्लिकेशन बबल्स हैं, डीएनए सिंथेसिस हुए, ये दोनों बाई डायरेक्शनल होते हैं, मतलब दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन हो सकती है तो बाई डायरेक्शनल बोलते हैं, करेक्ट। और कहाँ से, जहाँ से पॉइंट ओरिजिन हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बोलते हैं कि रेप्लिकेशन फोर्क और डीएनए सिंथेसिस की अगर बात की जाए तो जो दोनों स्ट्रैंड है पेरेंटल डीएनए के ये एक रेप्लिकेशन फोर्क बनाता है और वो मूव करता है एक पेरेंटल और डॉटर डीएनए के अलोंग। सबसे पहले अपन बोलते हैं डीएनए हेलिकेज।
डीएनए हेलिकेस क्या करता है कि कोई भी किसी भी तरह के, मान लो ये एक डीएनए स्ट्रैंड्स एंजाइम आता है, वो टोपोइसोमेरेज़ आता है, वो क्या करता है कि एक छोटा सा एक कट लगाता है और कट लगा के उसको पहले उस प्रॉब्लम को आप सुलझाएगा, और सुलझाने के बाद वो एक डीएनए लाइगेस की मदद से वहाँ पे जोड़ देगा और फिर वो प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा। एक और पढ़ते हैं अपन डीएनए पॉलीमरेज़ थर्ड पढ़ते हैं, एक आरएनए पॉलीमरेज़ पढ़ते हैं, और एक पढ़ते हैं सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन आगे जाके पढ़ेंगे कि ये स्टेबिलिटी बढ़ा देता है। अभी ये मैंने कहा कि अगर कोई भी किसी भी तरह का जो 5' से 3' डायरेक्शन में बन रहा है, देट कैन बी रेडिंग स्ट्रेन। रेडिंग क्यों बोला, क्योंकि ये जल्दी बन रहा है 3' से 5' डायरेक्शन में, देट इन की लेजिंग स्ट्रेन। लेजिंग क्यों बोला, क्योंकि लेजिंग का मतलब ही यही होता है कि बाद में बनना। जब अपन ने अभी कहा कि एक जो 3' साइट है वहाँ पे एक छोटा सा एक कट लगाएगा, वहाँ पे एक छोटी सी आरएनए प्राइमर्स क्या करेगा कि एक छोटी सी साइट बनाना, उसके पास में एक छोटी सी साइट बनाना स्टार्ट करेगा। फिर क्या आता है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आता है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या करता है कि जो आरएनए प्राइमर्स था, इस आरएनए प्राइमर्स को डीएनए में कन्वर्ट कर देता है, करेक्ट। फिर उसके बाद में एक और होता है डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, ये प्रूफ रीडिंग चेक करता है कि अगर मान लो किसी भी जगह कोई प्रॉब्लम क्रिएटेड हो जाए या किसी भी तरह से कोई दिक्कत आ जाती है, तो दोबारा से जाता है और जाके उस प्रॉब्लम को सही करके और फिर दोबारा आ जाता है। उसी प्रकार और उसी तरह जो लेजिंग स्ट्रैंड है उस पर भी ये फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये नया जो डीएनए बना, ये न्यू सिंथेसिस डीएनए का है, वो फॉर्मेशन हो गया।